ये जो कर रहा है ये देखो, ये गाड़ी में आई हुई है। बोलो जश्न आज़ादी मुबारक है। दोस्त को 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आप लोग देख सकते हो कितनी बाइक्स हैं, तकरीबन 1000-2000 बाइक होंगी। कितना वो ये सिर्फ बाइक्स हैं, बाकी गाड़ियों का स्टैंड उस तरफ है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का जश्न आज़ादी जो है आज पूरा पाकिस्तान मनाता है, सेलिब्रेट करता है। क्या निकाल रहे हैं? एक मुझे दे दो। 6 परचम लगाए हुए हैं इसने। आपने कहो आज़ादी मुबारक, कहो 14 अगस्त मुबारक। 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इंट्रेस है, ये आउटडोर है, बाहर वाम निकल रही है, गेट नंबर 5। ये इंट्रेस हो रही है, बाकी राश मैंने आप लोगों को दिखाया है किस तरह है। वेलकम बैक गाइज विद एंड अदर वेरी स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग। टुडे आई एम हेयर इन लाहौर, मीनार-ए-पाकिस्तान। आप लोग देख सकते हो, अगर नज़र आ रहा है तो मैं करीब से जाकर भी दिखा दूंगा। 14 अगस्त हर साल आता है, ईदें भी आती हैं, रबीउल अव्वल पूरा पाकिस्तान मनाता है, लेकिन जो सेलिब्रेशन लाहौरी करते हैं, छोड़ दो, मैं कहता हूँ बात ही ना करो। लाहौरी हर साल मैंने देखा है, 14 अगस्त से पहले भी मैं आता रहा हूँ। लाहौरी वाकई मनाते हैं, पता चलता है कि ये वाकई 14 अगस्त यहाँ आया है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर बंदा सेलिब्रेट कर रहा होता है यहाँ पे। मैंने आपको बाहर के सीन्स कुछ दिखाए हैं, कुछ कैप्चर किए हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे अंदर से सारे विज़िट करवाऊँगा, सीन्स दिखाऊँगा किस तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस हद तक ये इंजॉय करते हैं। वाकई फ़ील होता है कि वाकई 14 अगस्त है। हालाँकि कोरोना की सिचुएशन है, इनको चाहिए नहीं था कि ये ओपन करते मीनार पाकिस्तान। हम भी आए हैं, लेकिन डेफिनेटली अब खैर इन्होंने ये सही किया, मास्क के बगैर एंट्री नहीं है, लेकिन बहुत रश है, इंतहा का लोग इंजॉय कर रहे हैं। एंड मेरी तरफ से सबसे पहले आपको, हर पाकिस्तानी को, कोई सब्सक्राइबर है नहीं है, जो हाँ भी मेरी वीडियो देखे, जब भी देखे, मेरी तरफ से आपको दिल से जश्न आज़ादी मुबारक। लोग आपने पूरा देखना है कंप्लीट, क्योंकि आज मैं आपको किसी बहुत स्पेशल गेस्ट से मिलवाने वाला हूँ जो पहले कभी हमारे व्लॉग में नहीं आया। लाइक आज हमारे व्लॉग में कुछ स्पेशल लोग आने वाले हैं, तो आपको पूरा देखेंगे तो भी मज़ा आएगा। और आज का दिन भी स्पेशल है, तो इसीलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 14 अगस्त है तो स्पेशली कर दो। थैंक यू, भला होगा। वन एंड ओनली हुमैरा, प्लीज़ आपकी बबूर का ये मत तस्वीर लाती हैं हुमैरा। वाह, ये तो आप आज आई हैं मीनार पाकिस्तान में, तो लोगों को, लाहौरियों को आप देख रही हैं इंजॉय करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा देख रही हैं आप? बताइए कुछ अपने बारे में, कुछ लाहौरियों के बारे में, कुछ 14 अगस्त के बारे में। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक। मैं बताना चाहूँगी कि वाकई ही लाहौरियों ने बहुत ही जश्न मनाया है, हर तरफ ऑलमोस्ट। ये देखिए बच्चे छोटे फेस पे उन्होंने ये झंडे बनाए हैं, किसी ने हाथ में बाजी पकड़े हैं और एक दूसरे के साथ इजहार कर रहे हैं खुशियों का। अच्छा गाइस, मैं आप सबको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाहौर रंग व्यूज जो है ना, बच्चों से छोटे से बड़े से आवाम से व्यूज़ ले रहे हैं डिफरेंट, उनके अपने ओपिनियन ले रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ कि वो क्या। कश्मीर में बहुत तकलीफ है, क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे क्योंकि कुछ और भी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी परचम के जो लिबास जेबन कर रखे हैं, कुछ और यहाँ पे छोटे बच्चों ने भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप बताएं कहाँ से हैं भैया, क्या कहेंगे? जो लोग इसका दिन है, हल्ला गुला भी कर रहे हैं, कपड़े ही पहने हुए हैं बच्चे हैं। हमसे ये कहना था कि आज गर्मी भी है, लेकिन हम खूब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन हमारी आज़ादी का दिन है। हम मीनार पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्टाल भी लगा रखे हैं जो बच्चों के चेहरों पे पाकिस्तानी परचम बना रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो यहाँ पे जो यंग लड़के, यहाँ पे जो बच्चे, देखो गाइस, ये पाकिस्तान कितने खूबसूरत अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। भैया कहाँ से आए हो आप लोग? ननकाना साहब से। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से ये कर रहे हैं सेलिब्रेट। ये ननकाना साहब से यहाँ पे लाहौर सेलिब्रेट करने आए हैं याद का। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, सबने एक जैसे कलर पहने हैं और लिखा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन एक में सही आई लिखा हुआ है PAKISTAN। माशाल्लाह उसने ना आई देखिए उसने कितना स्टाइलिश बनाया, शर्ट पे उसने बैंड। आप लोग इस चीज़ को गौर कीजिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं, सब लोग अपनी खुशियों को इजहार कर रहे हैं ये लोग इस कलरफुल ड्रेस पहन के। बोल चैनल है ये, आवाम से भी ना लेना चाह रहे हैं व्यूज़, ऐसे ही गप्पें शप्पें आवाम की फीलिंग्स कैप्चर करना चाह रहे हैं। वाह ये देखो सारे 14 की सेलिब्रेशन हो रही है। देख लो किस तरह लाहौर इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये परचम लेके ये लड़का पहले ये ऊपर चढ़ा हुआ था वो वहाँ पे, और जोकर को ले गया। ए जोकर, वाह ये क्या बनाया हुआ तूने? जोकर। ये देखो सेलिब्रेशन लाहौरी। क्या नाम है तुम्हारा? हैं अब्दुल्ला। जोकर वाला स्टाइल बनाओ, मुँह करो ऐसे जोकर वाला। ओए होए 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 दिल ही दिल बने हुए हैं। और ये फैमिली अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसे कि हम लोगों ने कल वीडियो रिकॉर्ड की थी 14 अगस्त की, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कल इतना रश था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा हजूम था, जिसकी वजह से हम लोग अपनी वीडियो का एंड नहीं कर पाए। तो आज हम लोग अपनी वीडियो का एंड कर रहे हैं, और लेकिन लाहौर की किसी और जगह पे हैं। कल यादगार थे हम लोग, आज यादगार नहीं है। बताओ 14 अगस्त पे मीनार-ए-पाकिस्तान पे जाके तुम्हें क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा? तुम पहले भी जाती हो, पहले कभी बताओ, पहले आप कभी 14 अगस्त स्पेशल इस डे पे कभी गई हो? नहीं, पहले कभी 14 अगस्त पे नहीं गई, लेकिन हाँ एक दो दफ़ा गई हूँ। तो इतना रश नहीं था, लेकिन 14 अगस्त पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो मैं पता नहीं क्या वो मैं भी मरकज़ था इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन मैं 14 अगस्त पर पहले कभी नहीं गई थी, ऐसे जाती रहती थी, लेकिन अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्लॉग की तुम मत पूछो। तो फिर फर्स्ट व्लॉग और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। फर्स्ट व्लॉग ऑन 14 अगस्त। हाँ, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ गेन किया। हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन अच्छा रहा। अब ये तो डिपेंड करता है कि ऑडियंस पे, कि ऑडियंस को कितना अच्छा लगता है ये व्लॉग और वो कितने लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे स्टॉप कर देना। तो जी भाईजान काम हो गया है ख़राब, अब आप लोगों पे बात आ गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये नेक्स्ट व्लॉग्स में आएँ हमारे साथ, हम साथ में व्लॉग बनाएँ, वैसे हमारा प्लान है हम नेक्स्ट लाहौर की काफ़ी सारी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ट्रैवल व्लॉग्स भी में भी हम साथ में बनाएं, और आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएंगे। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों पे, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को पूरी देखते हो, और आप लोग कमेंट में बताओ अगर आप चाहते हो तो हम साथ में न्यू व्लॉग्स बनाएं। और तो हम डेफिनेटली काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट तो भाई ठोक दो, मैं कहता हूँ ठोक दो कमेंट, देखी जाएगी। हाँ, आपको हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और इसी के साथ हमें ये भी व्लॉग हमें एंड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वो के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि लोग हम ये लेट अपलोड कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं अभी रिसेंटली लाहौर शिफ्ट हुआ था, तो डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें शो अपलोड कर रहा था, तो मुझे सेटल होने में टाइम लगा। तो नेक्स्ट लोग इंशाल्लाह जल्दी आते रहेंगे। सी यू नेक्स्ट।